आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि कल इलेक्शन है यूपी में भी और भी बहुत जगह। आप लोग वोट करने जा रहे हैं, कुछ भ्रांति में ना पड़े इसलिए एक छोटा सा मैं वीडियो बनाया है। ये आप इसको एक बार सुनकर जरूर देखें। आपकी इच्छा है किसी को भी वोट दें। एक जगह है पाकिस्तान के अंदर सियालकोट, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, वो हिंदू बहुल प्रांत था। जब 1946 की बात है, तो जब बंटवारे का समय आया तो वहां के लोगों से पूछा गया कि भाई तुम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो या हिंदुस्तान के साथ रहोगे। तो क्योंकि वो हिंदू बहुल था तो सबने यही कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। वहां 3 लाख से ऊपर आबादी थी हिंदुओं की, और मुसलमान जो थे वो बहुत कम मात्रा में थे, कुछ हजार थे। लेकिन फिर जब फैसला नहीं हो पा रहा था झगड़े का, तो यही हुआ कि इनमें मत का विभाजन करवाया जाता है, कि दोनों की वोटिंग करवाई जाए और उसमें जिसका भी बहुमत आए उसको उस देश के साथ जोड़ दिया जाए। मुसलमानों को पता था हमारी संख्या कम है, तो वो सुबह 7 बजे से उठ के लाइन में लगे, और जब तक लगे रहे जब तक उनका वोट नहीं पड़ गया। पूरा पूरा दिन उन्होंने लाइन में निकाला। हिंदू लोग जो इस घमंड में थे, इस उसमें थे कि भाई हम जीत ही जाना है हमारा, इतने हम हिंदू हैं, इतनी बड़ी संख्या में हिंदू हैं, तो हम तो जीत ही जाएंगे, कितना भी ये इलेक्शन करवा लें। और वो वोट करने नहीं गए, जो गए लाइन देख के वापिस आ गए। कुछ ने हिम्मत भी करी लाइन में लगने की, लेकिन उनकी हिम्मत घंटे दो घंटे रुकने के बाद जवाब दे गई और वो घर आके सो गए। अगले दिन जब मतपेटी खोली गई तो उसमें वही होना था जो था हकीकत में, कि जिन्होंने वोट करे थे उन्हीं के पक्ष में रिजल्ट गया। मुसलमानों ने वोट करे थे उनके पक्ष में गया, और सियालकोट को जो हिंदू बहुल इलाका था पाकिस्तान में मिला दिया गया। यही फर्क हो जाता है जब हम वोट करने नहीं जाते। ऐसे व्यक्ति वोट करने जाते हैं जिनको समझ ही नहीं होती वोट करने की, जिन्हें पता ही नहीं किसको वोट करना है। और जो समझदार लोग होते हैं वो या तो घूमने निकल जाते हैं या अपने इधर मौज मस्ती में रहते हैं, और वोट करने का जो समय है कि हमें क्या फर्क पड़ना है, एक वोट से कोई आओ कोई जाओ। ऐसे ही लोगों की वजह से हजार साल गुलामी भुगती है हमारे देश ने। अगर हम आज इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि हमारे वोट से क्या फर्क पड़ना है, तो सियालकोट की तरह जो अभी 2017 में वहां इलेक्शन हुआ, जो लाखों की आबादी थी, अब सिर्फ 500 लोग रह गए। कुछ को सदा के लिए सुला दिया गया, कुछ को भगा दिया गया, कुछ को कन्वर्ट कर दिया गया मुसलमानों में, और जो बचे हैं वो सिर्फ 500 लोग बचे हैं जो वो किसी तरह से वहां जी रहे हैं। सोचो अपने लिए नहीं, अपनी नस्लों के लिए वोट डाल ले जाओ। तुम्हें मोदी पसंद नहीं है, उसको डालो जो मोदी से अच्छा व्यक्ति है, जो मोदी का हित, जो हमारे देश का हित मोदी से अच्छा कर सकता हो। तुम्हें और हमारे जो आगे आने वाला जो समय है वो सुनहरी ला सकता हो, लेकिन वोट करने तो जाओ। एक आप सभी से मेरी हाथ जोड़ की अपील है कि आप वोट करने जरूर जाएं। जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपकी अपनी सुमन गुप्ता, एक बार मेरी बात पर विचार जरूर करना। ओम शांति।